सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाएंगे वोडाफोन डिजिटल KYC का फुल प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप प्रीपेड न्यू पे टच कीजिए, उसके बाद ब्लैंक सिम को स्कैन कर लीजिए। स्कैन कर लेने के बाद यहाँ पर आपको शो हो जाएगा मोबाइल नंबर अवेलेबल, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर देने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पर आप लिख दीजिए वोटर आईडी कार्ड, सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आईडी नंबर लिख दीजिए। देन फास्ट कैमरा पे टच कीजिए, यहाँ पर फ्रंट साइड को कैप्चर कर लीजिए, उसके बाद डन कर दीजिए। देन सेकेंड कैमरा पे चला जाइए, वहाँ पर आप बैक साइड को कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इशू सिलेक्ट कर लीजिए वोटर कार्ड का। यहाँ पर आपको मिस्टर सिलेक्ट कर लेना है, देन फर्स्ट नेम टाइप कीजिए, उसके बाद लास्ट नेम टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फादर्स नाम लिख देना है। देन यहाँ पर एड्रेस, वोटर कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। देन यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर सिटी और नीचे आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर सिंगल मैरिड कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए। नीचे आपको फादर्स नेम टाइप कर देना है। देन यहाँ पर अपना कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। नीचे आपको 1 लिख देना है। देन सबमिट पे टच करना है। सबमिट पे टच करने के बाद कस्टमर का एक पिक्चर लेना है, एकदम नीचे चला जाना है, सबमिट पे टच करना होगा। उसके बाद उस मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल के वेरीफाई कर देना है। OTP आ गया है, यहाँ पर OTP डाल दीजिए। देन वेरीफाई OTP पे टच कीजिए। उसके बाद लेट्स गो कर दीजिए। देन रिटेलर का मोबाइल में एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं OTP डाल दिया, उसके बाद लेट्स गो कर दीजिए। लेट्स गो कर देने के बाद सक्सेसफुली डिजिटल KYC का प्रोसेस सबमिटेड हो जाएगा।